ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बशीर मेहंदी वाला मुमरा। मुमरा के विधायक है, कल मुमरा विधायक जितेंद्र अवार्ड ने एक वीडियो जाहिर करके वायरल किया गया था उसको। उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि हॉस्पिटल पहले ही चालू हो जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने आकर पीआई दाखिल किया, इसके लिए वर्क ऑर्डर रुक गया, ऐसे कहकर एक वीडियो वायरल किया गया, उसको लेकर आपका कुछ कहना था? भाई, इसके ऊपर तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितेंद्र अवार्ड ने हमेशा शहर के लोगों को गुमराह किया है। उनका हक मिलने से हमेशा उन्होंने लोगों को हक ना मिले वही काम उन्होंने किया है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये हॉस्पिटल का है। 15 साल से ये हॉस्पिटल बन रहा है, 15 साल से आज तक मुमरा वालों को, दिवा वालों को जो ये काम आने वाला हॉस्पिटल था, फ़ायदा इससे जो पहुंचने वाला था, ये हॉस्पिटल आज तक मुमरा और 14 गाँव के लोगों को नहीं मिला। और ये ना मिला तो हमको हमारा हक दिलाने के लिए जिन नेताओं को यहाँ के लोगों ने चुन के दिया, उन्होंने तो कभी इस पे काम नहीं किया, बल्कि वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं, इसको हम खारिज करते हैं। क्योंकि हमने जो देखा कि भाई 15 साल हो गए, अगर लोगों को यहाँ पे एक बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, तो लोगों के हक के लिए हम जो है वो कोर्ट के अंदर PIL दाखिल किए, और वो कोर्ट के अंदर हमारा यही मौकूफ़ रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को पूरी सुविधा के साथ हॉस्पिटल मिले। तो उनका जो कहना है जितेंद्र अवार्ड, इनका ये हमेशा गुमराह करते आए और गुमराह करते रहे हैं और करते रहेंगे वो। इसके लिए मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई जो भी काम ये हो रहा है, ये सिर्फ लोगों के, आवाम के हक के लिए हमको जाना पड़ रहा है। जब आवाम को उनका हक नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो हमको उसका हक दिलाने के लिए आगे कदम उठाना पड़ेगा। तो कोर्ट से ज़्यादा बेहतर तो कोई जगह नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों ने कोर्ट में गए हैं। ना तो कोई हम वर्क ऑर्डर रुकाने गए, ना तो हम लोग हॉस्पिटल के ताल्लुक से कोई ऐसा काम करने गए, हमने सिर्फ इसीलिए गए कि लोगों को हॉस्पिटल जल्द से जल्द मिल जाए। हॉस्पिटल में एक महिला की मौत भी हो गई है, उसको लेकर भी काफी सारा हंगामा हुआ और काफी सारे राजनीतिक दलों ने वहां पर जाके राउंड किए और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम भी लिया गया है, मुमरा के जो सैयद अली भाई साहब, उन्होंने आपका नाम भी लिया गया, उसको लेकर क्या कहना? भाई, उसके लेकर मैंने जो वो वीडियो देखा तो उसमें मुझे ये दिखाई दिया कि उसमें कोर्ट के ताल्लुक से जो बात निकली, तो उस पर भाई साहब ने कहा कि भाई हनीफ कामदार जो है वो हाई कोर्ट गए हैं इस हॉस्पिटल के मुद्दे को लेके, तो आपको जो भी सवाल करना है इस ताल्लुक से वो हनीफ कामदार से बात कीजिए आप, ठीक है। अब रहा सवाल, उसका डेफिनेशन ये है कि जो महिला, जो बच्ची का इंतकाल हुआ, ये बहुत बुरी घटना हुई है और ये गैर जिम्मेदाराना काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोगों की तरफ से हुआ है, जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो बच्ची का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन वो जहाँ उनका इंतकाल हुआ वो आरोग्य केंद्र है, जो पहले एक मुमरा में आरोग्य केंद्र था आनंद कुलीवाड़ा में, उसको ट्रांसफ़र किया गया MM वैली के हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में। तो वो हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं है, वो हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं है, उससे हॉस्पिटल का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हॉस्पिटल चालू जल्द होवे और ये पूरी फैसिलिटीज़ मिले और लोगों को इस तरीके के और हादसे का शिकार ना होना पड़े, यही तो जद्दोजहद के लिए हम लोग हाईकोर्ट गए हुए। जितना सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रोटेस्ट हुए इस मामले में, वो सब हकीम अजमल खान अस्पताल के लिए हुए, वो गलत हुआ? नहीं नहीं भाई, अपना हक मांगना कोई गलत नहीं है। नहीं, ये जो ये महिला की मौत हुई उसको लेकर, उसको लेकर के जो लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, आवाज़ उठाई, अच्छी बात है, उठाना चाहिए, क्योंकि आज ये हादसा हुआ, कल और हादसा होगा। अगर आज वो एक आरोग्य केंद्र के अंदर गैर जिम्मेदाराना तरीके से वहाँ पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से हादसा हुआ और लोगों ने आवाज़ उठाई, ये बेहतरीन कदम है और लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। इसकी और मैं वजाहत कर दूँ, इसकी वजह यह है कि जो लोग बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल के ताल्लुक से हॉस्पिटल का काम रुकाने के लिए लोग कोर्ट गए, तो उनको तो शर्म आना चाहिए कि 2001 में हेल्थ क्लिनिक मैटरनिटी रूम के साथ, मैटरनिटी हॉल के साथ, पूरी सुविधाओं के साथ एक दवाखाना मुमरा के सर्वे नंबर जमीन 10 और 11 पे बनना है,
वो आज तक क्यों बना के नहीं मिला मुमरा वालों को। उसके बाद में कालसेकर हॉस्पिटल के बाजू में महाराष्ट्र शासन की तरफ से 50 लाख की निधि आई कि वहाँ पे हेल्थ क्लिनिक के रिजर्वेशन के ऊपर हेल्थ क्लिनिक बनना चाहिए, तो वो इन्होंने बना के क्यों नहीं दिया, फिर वो 50 लाख रुपया कहाँ गया। तो यहाँ एक तो आवाम को गुमराह करके उनकी सुविधाओं से वंचित भी करने का और फिर इल्जाम दूसरों पे लगाने का, तो ये वाही तवाही अब उमरा के अंदर नहीं चलने वाली। लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो उमरा वालों के लिए और गिरदो नवा के 14 गांवों के लोगों को फैसिलिटीज मिलने के लिए, ये नागरिकों के लिए काम हो रहा है। हनी भाई, एम्बुलेंस का भी मामला था, वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं थी और उसके अलावा प्राइवेट एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती है, उसका क्या? भाई जो लोग आज हॉस्पिटल के ताल्लुक से इल्जाम लगा रहे हैं ना जितेंद्र आवाड़ा एंड कंपनी, उनको शर्म आना चाहिए। 2013 में 22 करोड़ की निधि आई महाराष्ट्र शासन की तरफ से एम्बुलेंस खरीदने के लिए, 1 करोड़ रुपया उसमें पास हुआ। कितना? 1 करोड़ रुपया उसमें पास हुआ। तो 1 करोड़ के अंदर गालिबन आप लोग समझ सकते हैं 5 से 6 एम्बुलेंस मुमरा वालों के लिए आ सकती थी, और ये एम्बुलेंस का फ़ायदा इस शहर के लोगों को वक्त पे मिलता तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारे एम्बुलेंस की तकलीफ़ों से लोगों को गुजरना नहीं पड़ता। हाँ, तो एक तो पैसा भी आता है, उसका भी काम नहीं होता है, जो सुविधा मिलना है वो भी सुविधा नहीं मिल रही है, और उसके बारे में और लोगों को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से जो है ना अब आवाम जान चुकी है और आवाम को अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है कि जो भी काम उमरा वालों के लिए हो रहा है उसके अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं इन लोगों के गलत काम हो रहे हैं।